हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। जैसे कि आप सारे जानते हैं कि हम लोग आ चुके हैं यूरोप कप का सेकंड फोर्थ प्री क्वार्टर फाइनल खेलने, जहां पर आज हम मैच खेलने जा रहे हैं बेल्जियम, जो कि नंबर वन टीम है, और उसके अगेंस्ट है हमारी रोनाल्डो की टीम जिसका नाम है पुर्तगाल। यहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं, पूरा मिडफील्ड चेंज हुआ है मेरी टीम के अंदर। एक्चुअली अपडेशन नहीं आया है, तो हम लोग तो प्री अपडेट वाली गेम से ही खेलेंगे। यहाँ पर काफी लोगों ने चेंज किया है, जियो मोनिको, पता नहीं चार प्लेयर जो चेंज करे हैं बेल्जियम ने भी और पुर्तगाल ने भी। आपको बता देता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में। यहाँ पर रेनेल्टो सेंचे खेल रहे हैं, जियाजो फिल्मिंग खेल रहे हैं, जियाओ माउंटिंग खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो चेंजेस हैं, थोड़े से मिडफील्डर के ऊपर चेंज नहीं हो पाया, और उसी तरह यहाँ पे डी मुनियर है, जो कि हम क्या कहते हैं डी बुर्नी है, सातवें नंबर के खिलाड़ी हैं, जो कि चेंज आया है बल्कि यहाँ पे नहीं हो पाया है। 16 नंबर के खिलाड़ी 26 और 8 नंबर के डी बुर्नी खेल रहे हैं, जबकि यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं। देखते हैं कि शायद वो चेंज करे, मतलब एआई चेंज करे। एआई ने जो चेंज दिए हैं मुझे, मैं उसी के साथ से खेलूंगा। और दूसरी चीज, जो पैच है उसके अंदर से सिल्वी नहीं है, तो सिल्वी ग्राउंड के ऊपर मैच हो रहा है जो कि स्पेन में है, तो वहां पर हम आज मैच खेलने जा रहे हैं। और ईजा हजार्ड को तो मैंने डाल दिया था टाइम बीइंग में, और विट्टल को भी डाल दिया था, ईजार्ड भी नहीं डाला शायद। देखते हैं आगे चल के उसको चेंजेस आएंगे। और यहां पे प्रेस चल रही है, आपको बता दें बेल्जियम नंबर वन टीम है इस समय वर्ल्ड की, और उसके जीतने के चांसेस इस यूरो कप के ज्यादा हैं। और हम आज लेके चल रहे हैं बेल्जियम को। वैसे भी ये यूरो कप जाइंट किलर साबित हुआ है, अभी तक दो जाइंट्स हमारे साथ जो थे वो चले गए हैं। एक तो हमारे सामने से हारे हैं, जो कि है अस्पिया हारी है, काफी अच्छा मैच खेली थी इटली के साथ। दूसरा जो मैच आज बहुत ही नीदरलैंड गई है, नीदरलैंड के साथ एक बहुत ही बुरा हुआ है। मतलब मैं यही बोलूंगा कि नीदरलैंड के साथ इतना बुरा हुआ है, एक डेडली, मान के चलिए एक डेडली रेड कार्ड उनको मैच से हरा गया था, नहीं तो आज की वो फेवरेट थी। पर आप कुछ नहीं कर सकते, मैच के दिन ही पता लगता है क्या होने वाला है। तो आगे चलते हैं, गेम स्टार्ट करते हैं। इस समय बॉल जो ले रहे हैं, सबसे पहले लेंगे इस टाइम पीरियड में लुकाकू। लुकाकू ने बैक पास किया डेनियर को, डेनियर ने गेंद दी है एंटवेल्ड को, और यहां पे कोशिश करेंगे लुकाकू को देने की, नहीं कैसलो को दी है बैक पास। सिल्की स्मूथ ड्रिबलिंग स्टाइल, तो ये जोटा गेंद को लेके चल रहे हैं, गेंद को रोका उनसे, और फाउल दिया है पुर्तगाल को। यहाँ पे भी अटैक पे है इस समय बेल्जियम, बैक पास दे रहे हैं अभी इस टाइम पीरियड पे। हम आपको डायरेक्ट दोनों मैचेस की डिटेलिंग देते हैं, जिसके साथ आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि मैच में क्या चल रहा है। कमेंट्री प्लस विजुअलाइजेशन पे हम लोग दे नहीं सकते, तो सिर्फ आपको और ये चांस बनाने की कोशिश करिए। कैस्ट्रो, कैस्ट्रो ने गेंद सीधी करी है, और हाथ से लग के गेंद बाहर चलेगी, और ये बैक पास नहीं दिया सैमुअल नेमेंडेस के पास, गेंद है ब्रूनो फर्नांडिस खेल रहे आज। लुकाकू को ढूंढ रहे थे पर लुकाकू को गेंद नहीं मिली। लुकाकू सेंटर फॉरवर्ड है, लुकाकू को ढूंढ रहे हैं, और ये लुकाकू ने लेफ्ट फॉरवर्ड पे कर दे दिया मार्टिन्स को। यहाँ पे आज ब्रूने खेल रहे हैं, आज मार्टिन्स नहीं खेल रहे, ब्रूने खेल रहे हैं, और ब्रूने के लिए आज जगह नहीं बनी। मैच दिन में ही हो रहा है, बैक पास
बहुत बहुत प्यारा कोशिश थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। Gets away from his opponents. Jota, he's in surely. और बहुत प्यारा बचाव किया है, 5 मिनट में बहुत अच्छा मूव बनाया है। Good idea, just poorly executed. Ruben Dias. Hoists it forward. Lukaku. और ये अच्छा मौका बन सकता है। और एक हाथ से बचाई है गेंद। बेल्जियम के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से खेल रहे हैं और पुर्तगाल पर एक के बाद एक अटैक हो रहा है और यहाँ पे भी सेम है, दोनों बराबर खेल रही है। मुझे ये मैच लगभग एक्स्ट्रा टाइम पे जाता हुआ लगता है क्योंकि मेरे यहाँ से ये दोनों ही फेवरेट हैं। यहाँ पे मैं बैट लगाना पसंद नहीं करूँगा कोई जीतेगा, पर अगर करना ही है तो बेल्जियम के ऊपर करिए। Bruno Fernandes. Is there any support? He might not need it. और ये क्रेस्पो के पास गेंद है, क्रेस्पो डी मार्टेस को दे रहे हैं, डी मार्टेस ने गेंद मुनियार को दिया, मुनियार देख रहे हैं लुकाकू को देंगे, लुकाकू के पास अच्छा पास बनने का मौका था, रुबिन दास ने अच्छा पकड़ा। लुकाकू को बीच में ही पकड़ के वापस alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Just to point out, Peter, that the fullbacks are quite high. And what do they try to achieve? Well, it's obviously a move to push the opposition wide men back and give them more to think about. Bruno Fernandes has brushed off the ball there. Bernardo Silva, and here's Cristiano Ronaldo. और ये गोल पड़ गया है, सीधा गोल मारा है बर्नाडो ने। और मैं 2 मिनट के लिए आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरे पास, मैं हिंदी में ढूंढ रहा हूँ। Peter, that was just a defensive act of generosity that was always going to have a painful ending. बहुत प्यारा गोल किया है। बैक पास बेल्जियम, बर्नाडो सिल्वा, बेल्जियम सफरिंग एन अर्ली सेटबैक, लुकिंग टू रील इट बैक इन। वेल, इट कैन बी वेरी हार्ड टू रीग्रुप एंड अरे कॉर्नर, अच्छा अटैक बनाया हुआ है इस समय भी। He just stood firm. Torgan Hazard, very firm in standing his ground there. It is a tough full contact contest. Jota. William Carvalho. Guerrero. Pumps it into the area. अच्छा बीच में कट दिया है। And here's Cristiano Ronaldo. And it's played forward. Lukaku puts his foot on the gas. It's a decent ball.
और ये बहुत प्यारा, आपको बताया पुर्तगाल के गोलकीपर के ऊपर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अटैक हुआ अभी तक। और सेम वैसे ही हाल है, मुझे लगता है बेल्जियम आज का मैच जीत सकती है। Great strength, too strong for his opponent. It's Carvalho! बहुत ही सुंदर बचाव किया है। Simply didn't do anything wrong. He was thwarted. कॉर्नर मिलेगा। Bernardo Silva plays it short. That's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. Well, that's clearly not what he wanted to do. पीछे रह गए। Lukaku looking to penetrate opposition lines. और ये अच्छा मौका बन सकता है, और सिर्फ एक को बीट करता था, और ये अच्छा 19 मिनट के अंदर दोबारा से क्रास्को का अच्छा गोल, और लुकाकू यहाँ पे थम्स अप करते हुए अच्छी गेम खेलने का मौका दिखाया है क्रास्को ने। मुझे लगता है गेम फिलिप बार गई, यहाँ पे भी अच्छा एक अटैक बना था रियल वर्ल्ड के अंदर। रियल वर्ल्ड में भी आप देख सकते हैं मैच को, हम लोग आपको पैरेलल वर्ल्ड के अंदर दिखा रहे हैं ये मैचेस। इस मैचेस और उस मैचेस में बिल्कुल कोई समानता नहीं है, बस सिर्फ ये है कि हम गेम प्ले खेल रहे हैं राइट नाउ उसी समय पे, और यहाँ पर जो मैच चल रहा है उसके अंदर आपको बता दें कि बहुत अच्छा अटैक बना था अभी थोड़ी देर पहले बेल्जियम का। लुकाकू ने गेंद फॉरवर्ड करी थी, पर ये दे दी ब्रायन फर्नांडिस को। मैं एक्चुअली दोनों तरफ देख रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। गेंचिनी हजार्ड के पास है, ई हजार्ड नहीं खेल रहे आज का मैच मेरे यहाँ पे, और लुकाकू के पास अच्छा मौका है, और ये गेंद काफी दूर से लुकाकू ने मारी और गेंद चली गई है साइड लाइन से बाहर, गोल लाइन से, और यहाँ पर और ये हेडर दिया है लाइन गोल के ऊपर से चला गया है, बहुत प्यारा हेडर लिया था। आपको बता दें अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ है रियल वर्ल्ड के ऊपर, आपको वो सब देख सकते हैं आप इस समय हमारे साथ, स्कोर बोर्ड लगा हुआ है। पुर्तगाल अटैक पर, मुनियर गेंद लुकाकू के पास है, लुकाकू अकेले ही निकल पड़े हैं, और एक गेंद आगे देने की कोशिश थी, और यहां से बैक पास गया है, नहीं Cristiano Ronaldo. Guerrero. गेंद गेरेरो के पास है, गेरेरो गेंद को लेकर चल रहे हैं, गेरेरो 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 gets it back. Well, the defense got the better of him this time, but I'm sure he'll go. और ये गेंद लुकाकू के पास,
ये बैक पास नहीं देना चाहिए था। और ये गेंद रुकी, खतरनाक गेम बनी थी, एक गोल मिल सकता था पर नहीं, एक गलती कर दी। और ये अटैक किया, और ये अटैक किया था गेंद को। और ये अटैक, गेंद छीन ली पेपे से। गेंद छीनी, वापस गेंद डिग्नोरो के पास, स्टैंड और मार्टिन्स जो कि ब्रूने खेल रहे हैं वहां पे, लुकाकू को मौका मिला है। लुकाकू का गलत, काफी दूर से अटैक किया, थोड़ा सीधा होता तो शायद गेंद बॉल पे जाती। आपको बता दूं कि इस समय जो मैच चल रहा है 14 मिनट का हो चुका है और काफी अच्छा अटैक बना था अभी। अच्छा मौका, टी हजार्ड रियल वर्ल्ड में आज टी हजार्ड के साथ टी हजार्ड भी खेल रहे हैं जो कि लेफ्ट विंग से हैं। लुकाकू के पास मौका है, लुकाकू ने गोल नहीं कर पाए, गेंद क्या से छिल गई है। क्रेस्पो, मार्टेंस, मार्टेंस ने क्लियर करा और ये हेडर के लिए कोशिश करी, नहीं, बहुत प्यारा लुकाकू का शॉट, सेंटर करा था, बहुत ही प्यारा। यहां पर मुश्किल हो सकती है, गेंद बिल्कुल उनके सामने मिली है और ये गोल बहुत प्यारा बचाया, क्लियर किया। गेंद इस समय मार्टिन्स के पास है, मार्टिन्स गेंद को ढूंढ रहे हैं किसको दे, लुकाकू को दी पर नहीं। लॉन्ग पासिस थोड़े गलत जा रहे हैं इस समय, और ये गेंद सीधी गई है कूपे उसके पास, ब्रिंडन सिल्वा का ये बहुत अच्छा मौका था, बैक पास देके और यहां चोट लगी है। और लुकाकू के पास है ये, नहीं, रुई पैट्रिक को जो की है। हेलो जीजू बेल्जियम वे, यस रियली बेल्जियम ही जीतेगी आज, आई ऑल्सो रियलाइजिंग बेल्जियम ही जीतेगी आज। और ये मौका बन सकता है, नहीं, बहुत प्यारा बचाव। मुझे तो मेरा लुकाकू को मुझे लगता है कि हमें देना चाहिए पास, लुकाकू के पास मौका बन सकता है, नहीं, अच्छा रीड किया, पास बैक नहीं गए। ये टेलीमास,
लुकाकू, अरे नहीं, ये लुकाकू के पास मुक्का है और ये गेंद काफी दूर से हिट करी है, एक गोल से ऊपर हो चुके हैं बेल्जियम। मुझे भी बेल्जियम लगती है और बेल्जियम ही जीतेगी रियली। यहाँ पे लुकाकू का बहुत सुंदर गोल। आज मैं ये तो मानता हूँ कि आसानी से पुर्तगाल जीतेगी, पर पुर्तगाल हारेगी, पर बेल्जियम को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। और बहुत अच्छी जीती गई, के पास गेंद और ये लुका के पास गेंद नहीं पहुंच पाई। गोविंद दास ने बहुत अच्छा क्लियरेंस किया। नेसेल सुमेंडो नहीं खेल रहे आज का मैच अभी समय, और यहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो से गेंद छीनी। और बहुत प्यारा विलियम कार्वाल्हो, जोटा, क्या ब्लॉक किया, सुंदर ब्लॉक किया। टेलीमास, मार्टेंस, और ये बैक पास दिया। ऑफसाइड, एक एक पैर और ये मुनियर का अटैक बना। ये अटैक थे गेंद गिरीरो के पास, क्रेस्पो, और 45 मिनट का खेल हो चुका है और यहाँ पर बेल्जियम एक गोल से आगे चल रही है। दो मिनट, मैं थोड़े मिनट का वेट आपसे देता हूं। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड हाफ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। Changes at the interval from either side, and the through ball is intercepted. Yeah, Lukaku. Can they build on it? और ये गेंद बहुत प्यारी गेंद बनाई थी, गेंद हाथ से निकल गई। Nelson Semedo.
डैनियल परेरा बैक पास और नहीं ये He's got away. A really good feat. Oh. Jota with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, that was a mini show of self-confidence. It may spark another try or another trier. Yeah. And here's Cristiano Ronaldo. Mm. And it's Bernardo Silva. And Bernardo Silva! He's pulled off a fine save. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. Lukaku. He's tried one. और ये सीधी गेंद गई है पैट्रिको के पास. यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्री किक लेने वाले हैं. आपको बता दूं रियल वर्ल्ड के अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास आई है क्योंकि बेल्जियम के हाथ एक वो लग गई है और ये अच्छा गेंद किया था पर बैक पास दिया. गेंद पे मिलेगी अब यहाँ पर बेल्जियम को. हम लोग सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है एक गोल हो सकता है यहाँ पर. शॉट ब्लॉक हुआ. विलियम कार्वाल्हो they found themselves penned in, nowhere to go. Shot! बहुत प्यारी बचाव किया है. The Tongan goes looking. Mertens. He's ruffled a few feathers, but well dealt with. Torgan Hazard. He's through the middle. बहुत प्यारा बचाव किया रिया पैट्रिको के पास. गेंद फेंडर सिल्वा को ढूंढ रहे हैं, रोनाल्डो को नहीं ढूंढ रहे. बहुत प्यारा बचाव किया. 54 मिनट का खेल हो चुका है. यहां पर आपको बता दूं डैनियल परेरा मुनियर के पास गेंद दी है. अभी तक मुनियर ने यहां से नहीं लिया था और एक गेंद सीधी पैट्रिको ने रोकी. चेक किया पैट्रिको को उन्होंने, जैसे रियल लाइफ में भी चेक हो रहा है. गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से खेल रहे हैं और ये गेंद मिली है पर नहीं, अच्छे तरीके से ब्लॉक किया है. गेंद को बैक पास दिया. पुर्तगाल के लिए खतरा हो सकता था. सीधा अटैक किया है गेंद के ऊपर. I can't speak highly enough of the keeper after that save. Can't stop thinking about it. And here's Cristiano Ronaldo. गेंद गई है गोल लाइन के बाहर. यहां पर मिलेगा गोल किक. मिली थी जिस गोल किक को देखे बात कर रहे थे. सीधा Fernandes with the short one. Bernardo Silva. Guerrero. Jota. Oh, he's got a crucial block in there. Lukaku को ढूंढ रहे थे पर गेंद लुकाकू को नहीं मिली. और युका अच्छा खास. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again.
Bruno Fernandes goes for it. Tielemans set up one goal so far. That's not going to make it. That's what has to be done now, no question about it. This isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to hurl everything at it and hope for a break. It's Lukaku! और ये बहुत प्यारा सुंदर अटैक करने की कोशिश करी थी, पर गेंद साइड लाइन से चली गई है, बात गोल नहीं मिला इस गेंद पर। अभी भी हम लोग यही देख रहे हैं कि शायद हमारे को लगता है कि हेलो फ्रेंडो, इट्स बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, विलियम कार्वालियो, गेरेरो। क्या यह मौका बन सकता है? बहुत प्यारा मौका बनाया है, लुकाकू को ढूंढ रहे हैं, लुकाकू को रोका पेपे ने, पेपे के पास गेंद, सिल्वा, रोबिन दास, गेंद को गेंद सीधी गई है कोटिस के पास, कोटिस इंतजार कर रहे हैं पीछे जाने का, और जोटा और नहीं, गेंद फेरेरा के पास, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ढूंढ रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शॉट फिर दोबारा बचाया कोटिस ने, गेंद ज्यादा दूर नहीं जा रही है, ये खतरनाक हो सकता है। This defense just doesn't trust itself to play a higher line. और ये लुकाकू के पास गेंद मिल चुकी है, लुकाकू ने गेंद सीधी डाल दी है और इसी के साथ 3-1 से आगे हो चुके हैं। आज मेरे लिए तो फेवरेट सिर्फ और सिर्फ आज फेवरेट बनेगी तो बनेगी बेल्जियम है। ये देखना है कि क्या यहां पर एक गोल कर पाएगी। पेपे ने ये फाउल दिया है। बेल्जियम took a 2-goal lead and are looking good for the win. Look, this position ought to convince them to increase their lead. I think they should be really positive about this now, Peter. It's Lukaku! नंबर 9 पे खेल रहे हैं, जर्सी पे खेल रहे हैं समय लुकाकू, लुकाकू ने काफी अच्छी खलबली मचा रखी है। गेरेरो, William Carvalho tries to switch the play. Pizan. Let's put a stop to that. He is Telemans ने बहुत सुंदर midfielding पे करा है और Lukaku को दिया। Lukaku के पास ये मौका है पर नहीं, बहुत दूर से शॉट लिया। इसके बाद हम लोग अब Danilo Pereira. आज रोनाल्डो का फोका नहीं बन पा रहा है और रोनाल्डो को रोका, फाउल मिलेगा यहां पर, यहां से सीधा शॉट लेंगे मुझे लगता है। रोनाल्डो रोनाल्डो को बहुत गंदा पास दिया और यहां वहां पे भी बहुत गंदा गेला गिरा था। पोर्चुगल विद अ डीसेंट चांस हियर एंड देयर इज लिटिल डाउट अबाउट हु विल टेक इट। और यह हाथ से लग के गई है, इसी के साथ से गेंद को मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले जैसा शॉट अभी मिला था सेम आइडेंटिकली वैसा हुआ है, कोर्टिस ने इसको इनको बचाया है। कॉर्नर मिलेगा, बैक पास विन किया, ब्रूनो फर्नांडिस के पास गेंद,
दोबारा से कॉर्नर, 68 मिनट हो चुके हैं, दो गोलों से पीछे पिछड़ रही है इस समय पुर्तगाल। क्या पुर्तगाल वापसी कर पाएगी? सुंदर गोल पुर्तगाल का, ये गरेरो की तरफ से बहुत सुंदर गोल मिला है। आपको बता दे आज के मैच के अंदर पुर्तगाल की टीम बेल्जियम जो कि नंबर वन टीम था उसके साथ खेल रही है, और वहां पर जो मैच चल रहा है काफी लड़ाई चल रही है दोनों टीमों के बीच में। क्या लुकाकू, नेल्सन, सिमेंडा, फर्नांडेस, ब्रेंडो सिल्वा छोटा, ब्रेंडो सिल्वा लेफ्ट फ्लैंक से काफी कोशिश कर रहे हैं, रिनाल्डो किस तरफ और लेफ्ट से, और here's Lukaku. Now it's Carrasco. Ruben Dias. Oh, needless to say, he was expecting a better ball than that. Carrasco. Torgan Hazard. Gets the better of his man. It's pretty clear that he's being singled out. Yeah, better communication and lots of contact. Oh, ye mila hai Ronaldo ko, par Ronaldo ko check bahut acha Daniel ne kiya hai. Ronaldo receives a free kick for that. Daniel to kafi acha defense kar rahe hain. Ronaldo aur Daniel ke beech ki hi ladai hai, dono unko dekhne ko mil rahi hai hamare ko. It's being played forward. नेल्सन मंडेल आज नहीं खेल रहे हैं, बर्नार्डो सिल्वा, और ये गलत दे दी गेंद, एक गोल से पिछड़ रहे हैं। आपको बता दें 18 मिनट का, 17 मिनट का खेल शेष रह चुका है, और रियल वर्ल्ड के अंदर 35 मिनट का खेल शेष रह चुका है। यहाँ पे लेफ्ट फ्लैंक से गए हैं, गेंद को जीता, और ये डियागो, देखते हैं कि यहां पर गोल कर पाएगी। और ये शॉट भी है, और ये प्यारा गोल मिल चुका है किसी के साथ। ये गोल 10 नंबर के खिलाड़ी ब्रेंडो सिल्वा ने किया है, और आपको बता दें यहां पे मैच बराबर हो गया है दोबारा से, जहां पर This has become one superb game of football. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable.
There could be more on the way. Mr. Rivaldo. William Carvalho gets it back. William Gallo. Showing a good level of intensity. Bruno Fernandes. They're calling on all their resources now. Aurier. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, there but go. There's still time for some ebb. Daniel. 70 मिनट हो चुके हैं, 3-3 की बराबरी चल रही है इस समय. क्या यहां पर गोल करने की कोशिश होगी? बैक पास दिया, वापस आ रहे हैं और अच्छा क्लियरेंस. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. और यह ऑफसाइड होना चाहिए. Sends that a long way. आज हाफ टाइम तक मुझे लगता था कि आपको बताऊं, पिछला मैच जो कि नीदरलैंड का और इसका था अपना चेक का था, मतलब और ये गेंद बचाई, नहीं तो किसी एंगल से ऑन गोल ही होना था. तीन मिनट का गेम हो चुका है यहां पर. Belgium showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Tielemans switches it towards the other side. It was a look promising, but eventually thwarted without doing any harm. बहुत प्यारा रुबिन दास. This can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. ये गेंद बहुत अच्छी मिली है ब्रेंडन डी सिल्वा को, पर गेंद बैक पास किया है. And it's played forward. Bernardo Silva is steaming forward. Chris has a pop. बहुत प्यारी कोशिश थी और लेफ्ट फ्लैंक से एक गोल कर दिया है. आपको बता दें बेल्जियम ने, जिस बात की मेरे को डर था कि बेल्जियम ही जीतेगी इस मैच को, और वो ही हुआ. 1-0 से बेल्जियम आगे हो चुकी है और टी हजार ने गेंद करी है, गोल किया है लेफ्ट फ्लैंक से. लुकाकू, टिलेमंस गेट्स रसल ऑफ द बॉल. कारास्को नॉट इजीली श्रग्ड ऑफ द बॉल. Tielemans, Bruno Fernandes tries running with the ball at his feet, and he's onside. Gets away from his opponent. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Bruno Fernandes. और दोनों टीमें बराबर पे खेल रही हैं. Right back in.
It's off target and by quite a way. और यहाँ पे आपको बता दें 43 मिनट हो चुके हैं और सिर्फ 2 मिनट का गेम शेष रह चुका है और एक गोल कर चुकी है टोकन हजार्ड के नाम से गेन गोल गोल मिला है एक्सेल विट्सल loses his balance and loses the ball. Well, both sides might have to settle for a draw here, although shutter! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. 88 minutes mein abhi tak goal nahi hua hai. He needed to stick it away and he knows it. और बहुत तेज अटैक बना है मैं आपको बताऊं इतना अच्छा मूव मैंने अभी देखा है बेल्जियम का बर्नार्डो सिल्वा गेट्स इट आउट टू द विंग Court shows there will be 3 extra minutes. And here's Cristiano Ronaldo and Bernardo Silva. Oh. And oh! Or goal. Yes, he's done it. And that may just do it. Ronaldo duly reaps his reward. मेरी फेवरेट बेल्जियम है टुडे आई फील बेल्जियम विल बी विनर बट गोल से मुझे लगता है थोड़ा सा मैं भी अपसेट हो गया आपको बता दूं कि यहां पर बहुत ही प्यारा गोल मारा है टी हजार ने और Portugal complete their comeback and now they only need to hold out for a few minutes. There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. Jota. Oliveira drives it forward. और ये खतरनाक हो सकता था. Cristiano Ronaldo. Whistle's gone and they've got themselves a free kick. मुझे जो लग रहा था आज रोनाल्डो कुछ नहीं कर पाए हैं ना मेरे यहाँ पे ना उधर पर बेल्जियम आज का मैच जीतेंगे बेल्जियम एक गोल कर चुके हैं सॉरी जो ये स्ट्रीम में दिखाया जा रहा है बिल्कुल मत मानिए ये रियल वर्ल्ड में गेम खेलते हैं हम दोनों तरफ से भैया इसका मतलब उल्टा जाना मैच इस समय बेल्जियम ही जीतेगी आज ये चौथा मैच है क्वार्टर फाइनल का उल्टा ही हो रहा है
अब तो मुझे लगता है मैच के अंदर गेंद जा चुकी है बाहर, गोल किक मिलेगी और इसी के साथ मैच खत्म हो जाएगा। Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, he gets past his man, face to face with, tries a shot. और मैच खत्म हो चुका है और मैं आपको बता दूं इस मैच को लेके मत चलिए, ये सिर्फ हमने गेम प्ले खेला था देखने के लिए कि कौन जीत सकता है, पर मैं आपको बता दूं मैच जो है आज की फेवरेट सिर्फ एक ही टीम है, उसका नाम है आपको पता है बेल्जियम। बेल्जियम मेरी तरफ से आज फाइनल है, मैं आप जाके मैच देखूंगा और साथ में एग्जैक्टली देखूंगा, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टीम में जो की है ब्राजील वर्सेस इक्वाडोर की, वो मैच हम खेलेंगे यहीं पर ही जो कि ब्राजील कोपा अमेरिका पहुंचेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच कमिंग ऑन द स्ट्रीम, बाय बाय, और इस कैच की डिटेलिंग मैं उस मैच में करूंगा। ओके बाय।